नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी स्टाइल में पालक पनीर की सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हम टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पालक पनीर बनाना। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने ली हुई है ये 1 kg पालक, जिसे मैंने अच्छे से 6 से 7 बार पानी से धोया है, क्योंकि पालक में काफ़ी रेत मिट्टी होती है। तो ये अच्छे से इसका पानी जो है वो भी सूख चुका है। और यहाँ मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है, इसमें हम ये जो पालक है इसे डाल लेते हैं। ये पालक धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाएगी और उसके बाद हम इसमें साथ में और पालक डालते जाएंगे। और यहाँ मैंने सारी पालक जो है इस पैन में डाल दी है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि पालक जो है काफ़ी पानी छोड़ देती है। तो इसे हम गैस पे रख के बीच में ऐसे चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी पालक जो है सॉफ्ट हो जाएगी। तो जब तक पालक का पानी सारा जो है वो सूख जाता है, तो तब तक हम पनीर जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ों में काट लिया है। एक पैन में मैंने सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा है। और यहाँ देखें, हमारी पालक जो है इसका सारा पानी आलमोस्ट सूख चुका है। हमने इसे, ये जो हमारी कड़छी है, इसके बैक साइड से ऐसे प्रेस करते जाना है, क्योंकि हमने ये पालक जो है इसे ग्राइंड नहीं करना है। ऐसा करने से हमारी पालक जो है काफ़ी अच्छी स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ देखें, हमारे जो पनीर है वो भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, पालक जो है इसका सारा पानी सूख चुका है, अच्छी सॉफ्ट हो गई है पालक। और यहाँ मैंने गैस बंद कर ली है। तो चलिए अब हम पालक का मसाला बनाते हैं। तो यहाँ मैंने वही पैन लिया जिसमें मैंने पनीर को अभी फ्राई किया था। इसमें हम सबसे पहले डालते हैं ये दालचीनी के 2 टुकड़े और साथ में 1 चम्मच हींग का मैं इसमें डालती हूँ। हींग डालने से पालक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस की फ्लेम जो है वो मैंने एकदम अभी लो रखी हुई है। दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। वन फोर्थ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब सौंठ पाउडर भी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसालों को फ्राई करते हैं। ये 4 हरी मिर्चें हैं, इसे भी हम डाल लेते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं ये फ्राई किया हुआ पनीर।
पनीर को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डेढ़ चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक, आप देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और अब जो ये हमने मसाला बनाया हुआ है पनीर के साथ, हम इसे पालक में डाल देते हैं। मैंने पैन में थोड़ा सा पानी भी लिया, ये भी डालेंगे साथ में। हल्के हाथों से हम पालक और पनीर को आपस में मिक्स करेंगे। और ये जो पानी पनीर फ्राई करते समय बच गया हुआ है, इसे भी हम पालक में डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम अब हाई कर लेंगे और अब हम पालक पनीर को ढक के रख लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखें कितना टेस्टी पनीर बनकर रेडी हो चुका है। साइडों में बहुत अच्छा तेल भी निकल आया है। आप चाहें तो कच्चा पनीर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कश्मीरी डिश है तो कश्मीरी पालक पनीर में हम पनीर को फ्राई करके ही डालते हैं। पालक पनीर रेडी हो चुका है। इसे सर्व करने से पहले मैं इसमें डालती हूँ ये बादाम, जिन्हें मैंने पानी में सोख करके रखा था। और इन्हें भी हम अच्छे से पालक पनीर में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये टेस्टी पालक पनीर की सब्जी। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे हमारी नई रेसिपी के साथ।